बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड, मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इक्तिसादी मामलात मुल्क के किस जाने बढ़ रहे हैं। स्टेट बैंक ने आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है, इसके साथ साथ स्टेट बैंक ने शरह सूद में भी इजाफे की नवीद सुनाई है। 1% इजाफे से 8.75 से बढ़ के 9.75 तक पहुँच चुकी है। 20 साल के सूद की जो हाइएस्ट परसेंटेज है उसको भी छू लिया गया है। ये तमाम तर चीज़ें किस जानब इशारा कर रही हैं, डॉलर पे इसके क्या असरात होंगे आने वाले कुछ अरसे में या नेक्स्ट जो ईयर आ रहा है 2022, क्या इसमें कोई मुमकिन कमी की नवीद गवर्नमेंट सुना पाएगी, मिनी बजट किस जानब इशारे कर रहा है और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट पे इसके क्या असरात पड़ेंगे, तमाम चीज़ों को आज प्रोग्राम में मौजू बहस लेकर आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है फरुख सलीम साहब, माहिर इक्तिसाद हैं। वेलकम टू द शो फारूक साहब। फारूक साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है और गवर्नमेंट कहती है कि जी यील्ड इंक्रीज अपीयर्स इन बॉन्ड, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सर इन तमाम डेवलपमेंट्स को? देखिए, सितंबर से आज तक तकरीबन 2.5% जो है वो इजाफा किया गया है शरह सूद में। मैं समझता हूँ कि शरह सूद बहुत ही तेजी से बढ़ा है, बहुत ही छोटे अरसे में बहुत तेजी से बढ़ा है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को से होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा कर्जा ले रखा है जिस एंट्री में, वो हुकूमत पाकिस्तान खुद से है। तो एक जो बजट में एलोकेशन की हुई है सूद की मद में, वो तकरीबन 3000 अरब है। मेरा खदशा ये है कि अगर 2.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आप समझिए कि 800-900 अरब रुपया इजाफी सूद की मद में हुकूमत के ऊपर जो है वो बोझ पड़ जाएगा। दूसरा बोझ जो है वो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेसेस हैं, जिन्होंने तकरीबन 7 से 8 हजार अरब का कर्जा ले रखा है, और अगर 2.5% इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है तो आप सोचिए कि उनके ऊपर तकरीबन 100 से 150 अरब का इजाफी सूद की मद में जो है बोझ जाएगा। उनको नुकसान होगा, हुकूमत को खुद से बहुत नुकसान होगा। जब शरह सूद बढ़ता है तो सरमायाकारी की शरह जो है वो जनरली कम हो जाती है। सरमायाकार अपना जो सरमाया है वो मार्केट से खींच लेते हैं। प्रॉफिट है बिजनेसेस के, वो कम हो जाएंगे बिकॉज उनके ऊपर सूद का बोझ जो है वो बढ़ जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मैं समझता हूँ कि ये एक्सपेक्ट ऑलरेडी कर रही थी और बड़ी तेजी से आपने देखा कि पिछले हफ्ते भर गिरती रही है, अब मुझे लग रहा है कि वो कुछ स्टेबल हो जाएगी। जब शरह सूद है तो जनरली उस मुल्क की करेंसी जो है उसको एक सहारा मिलता है। तो लेट्स होप कि पाकिस्तानी रुपी को डॉलर के सामने ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। मैं इसके चाहता हूं कि थोड़ी सी हम जरा डिटेल अपने नाज़रीन को भी बताएं। आपने जो स्टॉक मार्केट का जिक्र किया, स्टॉक मार्केट पे इसके जो असरात पड़ेंगे वो, ये तो थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा जरा कि वो किस किस्म के पड़ेंगे और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो क्या होगा। देखिए, जनरली जब शरह सूद बढ़ती है तो वो कहा जाता है कि जो फिक्स्ड इनकम है, जो बॉन्ड्स के रेट हैं जैसे आपने भी जिक्र किया, उसमें जो रिटर्न है वो बढ़ जाता है। तो कहा ये जाता है कि लोग जो सरमायाकार हैं वो अपने पैसे स्टॉक एक्सचेंज से निकाल के, तो फिक्स्ड इनकम में उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो वहां पर लगा देते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट गिरती है। लेकिन एक और क्वालिटी जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर की होती है कि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है वो मार्केट ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो बढ़ जाएगा, और उसके नतीजे में आपने देखा कि जो मार्केट है वो बड़ी तेजी से गिरी है और बड़े लंबे अरसे तक गिरती रही है। तो शायद ये वाला जो इंक्रीज है इंटरेस्ट रेट की, ये मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि इट्स ऑलरेडी, वो कहते हैं फैक्टर्ड इन, यानी कि वो मार्केट के अंदर ऑलरेडी अब्जॉर्ब हो चुकी है। तो इसको मार्केट को, मैं समझता हूं कि आज के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से कोई खास इंपैक्ट उसके ऊपर नया नहीं आने वाला, यानी कि जो ऑलरेडी अंडरस्टूड था उसी कंटिन्यूटी। अच्छा, चलिए सर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डॉलर के भी थोड़ा जरा बताएं कि मामलात किस जाने बढ़ते दिखाई हमें तो दे रहे हैं, वो परेशानी है जिसके जाने बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। व्हाट डू यू सी, वेयर इज डॉलर इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स? देखिए, करेंसी का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन दो किस्म की बुनियादी ताकतें हैं जो दुनिया के किसी भी मुल्क की करेंसी के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती हैं। एक तो वो हम कहलाते हैं कि बुनियादी ताकतें हैं, फंडामेंटल इश्यूज हैं। वो कहा जाता है कि करेंसी इज जस्ट लाइक अ कमोडिटी, यानी कि वो भी एक बिजनेस का आइटम समझें।
अगर आप एक लाहौर में रहते हैं और आपके यहाँ चीनी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, चीनी की सप्लाई नहीं बढ़ पाती, तो जाहिर बात है कि चीनी की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। तो करेक्ट यही डॉलर के साथ भी हो रहा है कि हमारे यहाँ डॉलर की जो डिमांड है, जो हमारी इम्पोर्ट्स हैं, वो मैंने तारीख में महाना की बुनियाद के ऊपर 8 अरब डॉलर की कभी इम्पोर्ट्स नहीं देखी है, और एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारी 2.5-3 बिलियन डॉलर के इर्द गिर्द घूम रही है, उससे बढ़ नहीं पा रहे। तो डॉलर की डिमांड बेतहाशा है और जो सप्लाई है वो बढ़ नहीं पा रही, तो जाहिर बात है नतीजे में जो डॉलर का रेट है वो डॉलर का रेट रुपी के सामने जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा इफेक्ट जो होता है वो सेंटिमेंट, मतलब जज्बाती इम्पैक्ट भी है, वो करेंसी के ऊपर बहुत होता है। और उसके नतीजे में आप देखिए कि अगर रुपया बड़ी तेजी से गिर रहा है तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि उनके जो डॉलर्स पड़े हैं बाहर, जो उन्होंने एक्सपोर्ट कर रखी है, उसको डिले कर देते हैं कि आप अभी पैसे वापस ना मंगवाएं, आप महीने बाद मंगवा लें तो शायद हमें 50 लाख करोड़ रुपए का भी 1 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट के ऊपर फायदा हो सकता है, डिफरेंस निकल सकता है। इसी तरह जो इम्पोर्टर्स हैं, जब वो देखते हैं कि रुपया बड़ी तेजी से गिर रहा है तो वो भागते हैं डॉलर खरीदने के लिए ताकि अपनी इम्पोर्ट्स को कवर कर लें। तो इस वक्त दोनों जो चीजें हैं, सेंटिमेंट्स जो जज्बात हैं और जो बुनियादी ताकतें असरअंदाज है रुपए के ऊपर, वो नेगेटिव। ठीक है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि अभी आज की, देखिए मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान फिस्कल ईयर 2022 इन्फ्लेशन एस्टिमेट रिवाइज टू 9 to 11% फ्रॉम 7 to 9%। तो पहले तो मुझे आप ये बताएं, ये स्टेट बैंक कह रहा है, ये कोई और नहीं कह रहा, ये मैं भी नहीं कह रहा, ये बताएं कि 7 to 9% तो गवर्नमेंट कह रही है कि जी हमारा इस साल में है, जबकि हमने इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स देखे, कुछ रिपोर्ट्स भी रिसेंटली आई मेरी, बल्कि उस पर भी आपसे बात हुई थी, वो 11+ इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स शो करती हैं, गवर्नमेंट के इंडिकेटर्स कुछ और शो हो रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट के इंडिकेटर्स 7 to 9 से नेक्स्ट ईयर में उसको नियर टू 11 बता रहे हैं, तो दिस मीन्स के प्राइवेट इंडिकेटर्स तो उससे भी फिर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मेरा सवाल मुख्तसर ये है कि जो महंगाई की शरह है सर, क्या अगले साल टेपर डाउन यानी कम होते आपको दिखाई दे रही है, या ये स्पाइक की तरफ जा रही है, ऊपर बढ़ रही है? देखिए, जो महंगाई का सिक्का है पाकिस्तान में, उसके रियली दो रुख हैं। एक रुख तो वो है जो चीजें हम मुल्क के बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बैरूनी ममालिक से पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होती हैं, और अगर आलमी मंडियों में उनकी कीमत बढ़ जाती है तो जाहिर बात है कि हमें पाकिस्तान के अंदर भी उनकी कीमत बढ़ानी पड़ती है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, और चीजें आप देख लीजिए जो हम इंपोर्ट करते हैं। दूसरा, उसी सिक्के का जो दूसरा रुख है वो है जो पाकिस्तान के अंदर चीजें उगती हैं। मैं नहीं समझता कि गंदम की कीमत इतनी तेजी से बढ़नी चाहिए, जबकि गंदम की कीमत की जो सपोर्ट प्राइस है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद से फिक्स करती है। गंदम के जो काश्तकार हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको उजरत जो है वो रुपयों में मिलती है। इसी तरह चीनी जो है, गन्ने की सपोर्ट प्राइस हुकूमत फिक्स करती है। चीनी हम सब पाकिस्तान के अंदर ही बनाते हैं, हमारी अपनी मिलें हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई चीज इंपोर्ट नहीं हो रही, चाहे चीनी भी इस साल हमने इंपोर्ट की। तो जो दो रुख मैंने आपसे कहे कि जो पाकिस्तान के अंदर चीजें बन रही हैं उनका कोई डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो या IMF से या आलमी मंडियों से होना नहीं चाहिए। हुआ यह है कि दोनों चीजों की कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ी हैं, जो चीजें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उनकी कीमतें भी बढ़ी हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर बनाई जा रही हैं उनका ज्यादातर इनपुट जो है वो पाकिस्तानी रुपयों का है, उनकी भी कीमतें बढ़ी। तो वहां पे मैं समझता हूँ कि हुकूमत की पॉलिसी का फुकदान है, या फिर जो हमारे वजीर आजम साहब का बड़ा पसंदीदा लफ्ज है कि माफिया का होल्ड है, तो वहां पे प्रॉफिट जो है वो आप समझिए कि बोझ पड़ रहा है गरीब तरीन तबकात के ऊपर, और उनकी जेब से जब पैसा निकलता है तो जो माफिया के मेम्बरान है उनकी जेब में वो मुंतकिल हो जाता है। ठीक है, आप मेरे साथ रहें, नदीम रजा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वेलकम टू द शो नदीम साहब। नदीम साहब, आपने अभी फ़ारूक सलीम साहब की भी गुफ्तगू सुनी होगी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह ये इंडिकेट कर रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं इन माफियाज़ की, ये बताइए कि ये माफियाज़, ये हुकूमत या अपोजिशन में बैठे पॉलिसी मेकर्स, ये आड़त का काम करने वाले, ये स्मॉल टाइम बिजनेसमैन, ये बिग टाइम बिजनेसमैन, या इस काम से जितने भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं? जिस तरह से बयान कर रहे थे, एदाद और फिगर इनसे बेहतर कोई नहीं जानता जितनी इनकी दस्तरस है इस मईशत के ऊपर। और जैसा आपने मुझसे पॉलिटिकली बात की है कि ये जो वज़रा हैं या हुकूमती इदारे हैं, क्या उनका काम
सिर्फ तहफ़ उन्हें फराम करना है जो एक माफिया है जिसको कार्टेल भी कहा जाता है। और गो के देखें, सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि जब जो पॉलिसी साज हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग में अहम रोल जिनका है, अगर वो वही कारोबार कर रहे हैं जिसकी वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जिसकी प्लानिंग कर रहे हैं, पॉलिसियां मुरतब कर रहे हैं तो उसमें वो अपने मफादात का तहफ़ यकीनी बनाएंगे, वो आवाम जो है वो सेकेंडरी हो जाएगी उसके अंदर। तो यहाँ पे हम मुसलसल देख रहे हैं, बिलखसूस इस दौर हुकूमत के अंदर वो यही हो रहा है कि जो भी वज़रा हैं वो उनको करप्शन की वजह से या किसी वजह से हटाया जा रहा इल्ज़ाम की वजह से दूसरी मिनिस्ट्री दे दी जाती है, फिर वहाँ मसला होता है, फिर तीसरी मिनिस्ट्री दे दी जाती है, लेकिन जो इल्ज़ाम हैं उसकी तहकीकात उस तरह से नहीं की जाती और जो भी गठजोड़ है ना उनके खिलाफ बयानबाजियाँ दे दी जाती हैं लेकिन उनको पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया जाता। हमारे पास ये चीनी स्कैंडल सब और जो हमारे एक्सपर्ट हैं जो हमारे करके इलेक्शन लड़ने का वोट लेके आते हैं वहां तक, वो सिर्फ अपने मफादात के तहफ्फुज़ करते हैं, आवाम की उन्हें कोई खैरख्वाही नहीं होती है। यही वजह है कि गवर्नमेंट को देखें जिस तरह से इसके जो तिजारती खसारा है हमारे यहाँ वो 21 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है, वो क्यों हुआ है? अच्छा, आप मेरे साथ रहे नदीम साहब, हम वापस आते हैं इस नुक्ते के ऊपर, फरूख सलीम साहब की तरफ बढ़ते हैं। फरूख साहब, जिस तरह नदीम साहब भी इंडिकेट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी अपनी बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस हैं या उनके बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं या उनके बहुत सारे ऐसी लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम इस चीज़ तक नहीं पहुँच पा रहे, मेरा एक सवाल आपसे बींग एन एकेडमिक्स के पर्सन भी है वो ये कि कोई भी गवर्नमेंट आती है जो इक्तसादी पॉलिसीज़ बनाती है वो ये चाहती है कि उसकी में आवाम को कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलीफ मिले, क्योंकि उसका डायरेक्ट असर उसके वोट बैंक के ऊपर भी होता है। वो और वो क्वेश्चन या वो परसेंटेज हर कोई रखता है। आपको प्रीवियस गवर्नमेंट याद होगी, इसहाक डार साहब की आखिरी एक दो साल के अंदर इकनॉमिक परफॉर्मेंसेस एज फार एज पब्लिक इज़ कंसर्न बड़ी हमें लगा कि जी बड़ा रिलीफ है जो हमें मियाँ साहब की गवर्नमेंट दे रही है, लोगों को लगा इन्फ्लेशन बड़ी डाउन आ गई थी, पेट्रोल बड़ा सस्ता हो रहा था। ये बताएं कि आपके ख्याल से इस गवर्नमेंट के पास वो भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या उसका वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है या समथिंग इज मिसिंग समवेयर, व्हाट इज दैट, इफ यू नो व्हाट इज दैट? मेरा ख्याल ये है जी कि दो चीज़ें चाहिए कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए, कामयाब पॉलिसी के लिए। एक चीज़ तो आपको नींद चाहिए जिसका आपने जिक्र किया, और दूसरी है काबिलियत। दोनों इकट्ठे होंगे तो फिर कोई नतीजा निकलता है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की बिल्कुल नीयत है, शायद हर हुकूमत की नीयत होती है कि ख़ासतौर पर जब इलेक्शन के करीब पहुँच रहे होते हैं कि आवाम को किसी किस्म की रिलीफ दी जाए। अब मामला यहाँ पे आके रुकता है कि क्या हुकूमत के पास काबिलियत है। देखिए, काबिलियत क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहला काम हुकूमत को करना होता है वो है एक सॉलिड किस्म की टीम का तश्कील देना। पहला स्टेप कहलाता है जिसको हम फेज वन कहते हैं। फेज वन टीम की तश्कील देते हैं, फेज टू में वो टीम जो बैठती है वो डिटेल में मंसूबे बनाती है, प्लानिंग करती है, फिर फेज थ्री में उन मंसूबों के ऊपर अमल दरामद होता है, फिर फेज फोर में जाके कोई नतीज निकलते हैं। अब अगर आप एक नजर डालें जो पिछले 40 महीने गुजरे हैं पीटीआई की हुकूमत के, तो वहां पे 40 महीनों से मुसलसल ये कोशिश की जा रही है कि एक टीम क्रिएट की जाए। इसका मतलब ये है कि 40 महीने से पीटीआई की हुकूमत जो है वो फेज वन में अटकी हुई है। टेक्निकली पिछले 40 महीनों में कोई 5 तो गुजराए खजाना तब्दील हो गए, कोई 6 या 7 वो फाइनेंस सेक्रेटरी तब्दील हो गए हैं, 4-5 जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन तब्दील हो गए हैं। तो अभी पीटीआई की हुकूमत जो है वो वाकई में चाहती है लेकिन उससे टीम तश्कील नहीं दी जा रही। तो ये तवक्को करना कि बाकी जो पीरियड रह गया है, मैंडेटेड पीरियड पीटीआई का रह गया है, उसमें किसी किस्म के कोई नतीज सामने आ जाएंगे, मेरा ख्याल है कि वो तवक्को नहीं रखी जा सकती। ठीक है, नदीम साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा नदीम साहब, जिस तरह अभी फरूख साहब फरमा रहे हैं, इससे पहले भी वो जिक्र कर रहे थे, मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ, आपने भी जिक्र किया बहुत सारे माफियाज़ का, बहुत सारी विल ना होने का या बैड पॉलिसी का,
लोग आज ये जानना चाहते हैं, आप माशाल्लाह बहुत लंबे अरसे से इस पेशे से सहाफत से मुंसलिक है, लोगों को भी जानते हैं, गवर्नमेंट जो गुजरी है उनको भी जानते हैं और पॉलिसीज़ को भी जानते हैं। ये बताइए कि प्रॉब्लम गवर्नमेंट के किस सेक्टर में है या किस स्टेज पे है, क्योंकि जैसा फ़ारूक साहब भी फरमा रहे हैं कि 4 से 5 जो है वज़रा भी बदले गए, मुशीरान भी बदले गए, टीम्स भी बदली गई। हम दूसरी तरफ पुलिस की तरफ देखते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही मसला है कि टीम्स बदली जा रही हैं, इतने आईजीज़ बदले गए जितने भी टेन्योर नहीं हुए या जितने भी साल नहीं हुए। तो कोई भी हम जगह देखते हैं वहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है और ऑप्शंस भी नहीं हैं। मुझे ये बताएं कि क्या हमारे जो कप्तान हैं उनका उनको गाइड करने वाले जो लोग हैं वो सही नहीं हैं, या कप्तान जो है वो ख़ुद ही सही नहीं सोच रहे? वॉट इज़ एग्जैक्टली रॉन्ग एंड वॉट इज़ इट्स इफेक्ट ऑन पब्लिक? सर आप जिस तरह देखें, अवाम जो निचला तबका है या तमाम कारोबारी तबका है, सब यही समझते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो कप्तान की सरबराही में हो रहा है, क्योंकि देखें वही एक टीम के लीडर तो वही हैं। करेक्ट। जो टीम उनके इर्द गिर्द मौजूद है, क्या इनकी अपनी टीम नहीं है? या अगर किसी ने दी है उन्हें टीम, तो उन्होंने अपने रिजर्वेशन दी है इसके ऊपर? हर में तो यही होता है, जो वज़रा होते हैं या थिंक टैंक के सरबराहान होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो अपने अपने शोबों के माहिर होते हैं। भले हमारे यहाँ देखें आप, कभी एक मिनिस्ट्री, कभी दूसरी, कभी तीसरी, जहाँ फिट ही नहीं हो रहे दूसरी में लगा दिया, दूसरे तीसरे में लगा दिया, लेकिन मसाइल हल होने के बजाय मजीद उलझते जा रहे हैं। यहाँ पे जो फर्क है वो नीयत का फर्क है, संजीदगी का फर्क है। क्योंकि जिस तरह की गैर संजीदगी का मुजाहरा हर सतह पर किया जा रहा है, क्या मुझे बताएं, जो मैं अपनी उसी पिछली बात से बिल्कुल तवस्सुल हो रहा हूं, कि एक ज़राए मुल्क है पाकिस्तान, इस मुल्क में गंदम की शॉर्टेज, चीनी की शॉर्टेज, सब्जियों की शॉर्टेज होना, ये कहाँ का इंसाफ है? अब गंदम महंगी क्यों ना हो? अभी देखें, जैसा कि आप, मैं अक्सर किसानों से मेरी बातचीत रहती है, मुलाकातें रहती हैं, दोस्त हैं सारे, वहां जब जमीनों पे जाते हैं वो यही बात होती है। और अभी ये सीजन चल रहा है गंदम की काश्त का, तो अब किसान रो रहे हैं कि उन्हें खाद नहीं मिल रही है, खाद ब्लैक कर दी गई है। नहीं तो उसका मतलब ये, देखिए सर, उसका दूसरा मतलब ये है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली फैसिलिटेट कर रही है। तो नहीं, असल वही चीज है ना कि वो इस मरहले पे उनको वो खाद नहीं मिल रही। अभी चले खाद मिल गई, काश फसल तैयार हो गई, तो उस दौरान फिर मुख्तलिफ जरासीम कुछ स्प्रे करना पड़ता है, फिर वो शॉर्ट कर दिया जाता है। अगर गंदम की जब फसल कटाई होती है तो सब बारदाना गायब कर दिया जाता है। तो ये हो क्या रहा है? तो इसका मतलब तो यही है, नीयत खराब है, नीयत खराब है, और इसमें अपनों को जो है वो ऑब्लाइज किए जाने का सिलसिला जो है जारी है। मेरे साथ रहेगा प्रोग्राम में, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, बढ़ते हैं ब्रेक से, वापस आते हैं और गुफ्तगू का यहीं से आगाज करते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आबिद सुलेरी साहब, वेलकम टू द शो सुलेरी साहब, फारूक सलीम साहब और नदीम रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, ये बताइएगा कि जो नई ये मॉनेटरी पॉलिसी आई है, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को लेके, पॉलिसीज़ को लेके लोग सीख पा हैं, और सुने कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने गवर्नर स्टेट बैंक को भी तलब किया अपने पास कि जी आए मेरे पास और मुझे आके ज़रा डीब्रीफ करें कि सारा मामला है क्या। आपको क्या लगता है सर, वेयर वी आर हेडिंग, आई मीन इज दिस द राइट अप्रोच वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक? जी देखिए, इस वक्त मार्केट में जो स्पेकुलेशन थी वो शायद 1% से ज़्यादा की थी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो अभी चंद हफ्ते पहले ही जो ट्रेजरी बिल्स जो थे वो ऑप्शन हुए थे, वो 11% पे जो लॉन्ग टर्म उनकी ऑप्शन थी वो गई थी। तो 11% के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी भी जो मार्केट जो थी वो मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि शायद ये डबल डिजिट में चली जाएगी जो इंटरेस्ट रेट है। अब रहा सवाल ये कि क्या ये इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ाना चाहिए था या नहीं बढ़ाना चाहिए था। तो इस पर कोविड के दौरान हमें दो तरह की अप्रोचेस हमारे सामने आ रही हैं। एक अप्रोच है जो टर्की का मॉडल है, टर्की में देखिए कि वहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो हमारी तरह ही बढ़ रही है, लेकिन तैयब अर्दोगान जो है वो वहाँ पर टर्किश सेंट्रल बैंक को उनका प्रेशर है कि इंटरेस्ट रेट जो है उसको कम रखा जाए, और उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा है कि टर्किश करेंसी जो है वो बहुत बुरे तरीके से डिवैल्यू हुई। और उसी के बाद आप श्रीलंका की मिसाल देखें, श्रीलंका में
रुपए की डिवेल्यूएशन को रोकने के लिए श्रीलंकन स्टेट बैंक ने इंटरफेयर करना शुरू किया मार्केट में, और उनकी हालत यह है कि इस वक्त वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी है और उनके पास एक महीने से भी कम के जो रिजर्व्स हैं इंपोर्ट के लिए वो हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त आपको दोनों चीज़ों में एक बैलेंस रखना है कि रुपए की कदर जो है उसको भी एक ख़ास हद से नीचे ना गिरने दिया जाए और इंटरेस्ट रेट जो है उसको भी एक ख़ास हद से ऊपर ना जाने दिया जाए। और सो फार अगर हम देखें तो पाकिस्तान में चीज़ जो है दोनों चीज़ें जो हैं ये साइमल्टेनियसली चल रही हैं। इससे फौरी तौर पे शायद इन्फ्लेशन तो कम नहीं होगी, इन्फ्लेशन के लिए हुकूमत अलहदा से स्ट्रेटजीज जो है वो अडॉप्ट कर रही है, स्पेशली उनके मुख्तलिफ जो सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स और सोशल सेफ्टी नेट्स। लेकिन ये है कि जो रुपए पे प्रेशर था उसमें आपको कमी जो है वो ज़रूर नज़र आएगी कि रुपए की जो कदर है वो मुस्तहकम हो सके। अच्छा सर, ये बताएं, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि आने वाले 1 से 2 माह में डॉलर जो है वो मज़ीद ऊपर जाएगा, और ओपन मार्केट में तो खैर डॉलर का रेट जो है वो लोग अपनी मर्ज़ी का ही लगा लेते हैं। ये बताइए कि व्हाट इज़ योर असेसमेंट, आपकी मेरा ख्याल राय से मुख्तलिफ अगर है तो उसकी क्या वजह है? देखिए, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मैं वेट करना पड़ेगा। कल स्टेट बैंक ने एक डिसीजन लिया है और वो ये है कि अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर इजाज़त थी कि आप ओपन मार्केट से डॉलर जो है परचेज कर सकते हैं और एक्सपोर्ट की जो पेमेंट्स हैं वो दे सकते हैं। अब वो सारा का सारा जो है वो फॉर्मल चैनल के जरिए, बैंकिंग सिस्टम के जरिए स्टेट बैंक ने उसकी एक कंडीशनल कर दी है। तो वो जो एक फैक्टर था बाकी सारी चीज़ों के अलावा कि अफगानिस्तान की इस वक्त जो इकॉनमी है वो भी पाकिस्तानी डॉलर से सपोर्ट हो रही थी कुछ हद तक, उसमें कमी आएगी। और दूसरी जो आपको थोड़ा सा हमें वेट करना होगा कि ये जो करंट मॉनेटरी पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है ये इम्पोर्ट को कितना कम कर सकता है। तो अगर ये दो चीज़ें जो है इनका इम्पैक्ट हमें नज़र आता है तो फिर हम देख ये कहने के काबिल होंगे कि पाकिस्तानी करेंसी पे दबाव जो है वो कितना कम होगा। लेकिन जाहिर है कि 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से और अफगानिस्तान के साथ जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको फॉर्मल चैनल के जरिए करने से जो उसकी पेमेंट्स आ रही होंगी तो उससे कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी करेंसी जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। अब सर, ट्रेड डेफिसिट का जिक्र या उसकी एक्सेप्टेंस स्टेट बैंक से भी आ रही है, और आज की स्टेटमेंट है कि जी महंगाई और तजारती खसारे में इजाफा काफ़ी हद तक रिकॉर्ड किया गया है। स्टेट बैंक ट्रेड डेफिसिट भी हमारा बढ़ रहा है सर, वाई इट इज़ इंक्रीजिंग? हम तो बड़ा कहते थे कि जी हमने ट्रेड के अंदर झंडे गाड़ देने हैं, हम नहीं गाड़ सके, उसकी क्या वजह लगती है सर आपको? देखिए, जो हमारी इम्पोर्ट्स हैं अगर आप अपनी इम्पोर्ट बास्केट को देखें तो पिछले महीने रिकॉर्ड इम्पोर्ट्स हुई तकरीबन 8 अरब डॉलर की, 7.9 बिलियन डॉलर की। तो उसमें 2.5 अरब का तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थी, 2.4 बिलियन डॉलर का रॉ मटेरियल और मशीनरी थी, तकरीबन 600 मिलियन की वैक्सीन थी, 900 मिलियन का जो था वो खाने पीने की चीज़ें थी। तो 6.4 जो है आउट ऑफ 7.9 वो तो आपकी वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि असेंशियल थी और वो इसलिए महंगी थी कि कमोडिटी प्राइसेस जो थी वो बहुत हाई थी। 1.5 बिलियन डॉलर जो है वो आप मान लीजिए कि उसमें शायद सामान तैयश भी होगा, उसमें गाड़ियाँ भी होंगी, उसमें महंगे फ़ोन भी होंगे, उसमें बाकी ज़रूरी अशिया जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं है वो होंगी। लेकिन जो 6.4 बिलियन डॉलर का जो बिल था वो इसलिए 6.4 था कि पेट्रोलियम की कीमत, खाने पीने की अशिया या मशीनरी रॉ मटेरियल, इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा थी। और अगर ये कीमतें आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती हैं, जैसा कि हमने देखा कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो 29 नवंबर के बाद से उनमें बतदरीज कमी आ रही है, आज उनका रेट 70 डॉलर पर बैरल है और ये 86 डॉलर पर बैरल से नीचे आया है। तो थोड़ा सा हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आइंदा आने वाले चंद माह में शायद ये तजारती खसारा जो है इसमें थोड़ी सी कमी देखने में आएगी जो उसकी वैल्यू टर्म्स है। अच्छा सर, ये बताएं कि ज़ाहिर है इन तमाम तर चीज़ों के जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं इसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट हैं और वो ज़ाहिर है लोगों तक, आवाम तक जाते हैं, आपको लगता है जो कमिंग ईयर है ये कोई अच्छी नवीद सुनाएगा? आई मीन एक खुली ज़रा राय दें ताकि लोगों को क्लैरिटी ऑफ थाट हो कि अगले साल में हमें मज़ीद गियर अप होना है या चलो चीज़ें थोड़ी ईज आउट हो जाएंगी। देखिए, इस वक्त दो चीज़ें पाकिस्तान की इकॉनमी में चल रही हैं। पाकिस्तान में ग्रोथ भी हो रही है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, आप उसको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में देखें, सर्विसेज सेक्टर में देखें, एग्रीकल्चर में देखें, तो एक तरफ तो आपको ग्रोथ नज़र आएगी। दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन है उसमें इजाफे की वजह से वो लोग जो कि खतः गुरबत से नीचे रहते हैं, वो लोग जो कि खतः गुरबत से थोड़ा सा ऊपर हैं, उनके लिए ज़िंदगियाँ मुश्किल होती चली जा रही हैं।
तो इसका अगर सम अप करें तो कुछ सेक्टर्स जो हैं बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज जो हैं उसमें इजाफा हो रहा है। इनइक्वालिटीज को टैकल करने के लिए हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ किस्म की टारगेटेड सब्सिडीज और एहसास प्रोग्राम उसके जरिए इंटरवेंशन जो है वो कर रही है, वहाँ पे रिलीफ मिलने की तवक्को है। मुझे ये लग रहा है कि वो जो मिडिल क्लास है और जो अर्बन मिडिल क्लास है जो कि ना तो उस लाइन पे फॉल करती है तो उनके लिए कोई टारगेटेड सब्सिडीज हो और ना ही उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा है कि जितनी मर्जी महंगाई होती जाए उनको असर ही ना हो, या ड्यूटीज जितनी मर्जी बढ़ जाएं उनको असर ना हो, तो वो वाली क्लास जो है वो अफेक्ट होगी। तो आपके पास दो तरह की जो है वो इस मुआशी जो डेवलपमेंट है उसके नतज सामने आएंगे। जो अलीट क्लास है, जो अपर क्लास है, वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। जो लोअर क्लास है, लोअर मिडिल इनकम क्लास है, जो उसके ज्यादा लिए है हुकूमत जो है वो अपने सोशल सेफ्टी नेट्स लेके आ रही है, लेकिन जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लिए कुछ सोचना होगा कि उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए सारे यानी मिडिल क्लास के लिए जो मसले इम्पैक्ट मसाइल हुए। हैं और आने वाले साल में भी होंगे। नदीम रजा साहब, सर ये बताएं कि आप आवाम को और आवामी पल्स को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, ये बताएं सर कि अब देखें ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स हो या ये गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट कहती है कि पैसा निकालने के लिए हमें बड़े मगरमच्छों या हमें कुछ पार्ट्स ऑफ सोसाइटी को थोड़ा सा स्क्रू टाइट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे इस गवर्नमेंट ने एट द स्टार्ट पॉलिसीज़ रखी, ताजरों के गिर्द उन्होंने घेरा तंग किया और उन्होंने कहा कि जी आप हमें टैक्सेशन के अंदर आएंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे, हर पर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखेंगे, तो उधर हड़तालें शुरू हो गई। और जब उसने स्मॉल टाइम इंडस्ट्री के ऊपर यही चेक ज़रा सख्त किए तो वहाँ पे काम रुकने लग गया, लोगों ने फैक्ट्रियाँ बंद कर दी। ज़रा अवामी पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि लोगों के अंदर भी रिलक्टेंस है जो टैक्स देने या टैक्स जिनके वाजिब हो सकता है कि वो टैक्स जमा कराने को सरकार को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जी हमने किसी भी सूरत टैक्स नहीं देना, वो हर चोर रास्ता ढूंढते हैं जिससे उन्होंने जो है वो टैक्स नहीं देना। जब हम में से ही हमारे तगड़े जो धड़े हैं वो टैक्स नहीं जमा कराएंगे तो फिर वो गवर्नमेंट को क्या पड़ी है कि वो उन लोगों के गिर घेरा तंग करे, अपने वोट भी ख़राब करे। वो कहती है यार चलो जो होगा फिर देखी जाएगी। वाई पीपल आर रिलक्टेंट सर, क्यों लोग टैक्स नहीं देना चाहते गवर्नमेंट्स को? सर देखिए वो बात ठीक है, जब आप चोर दरवाजा खुद फराहम करेंगे तो कौन देगा, क्योंकि यहाँ पे हर शख्स एक दूसरे को लूटने के ऊपर आमादा है। देखें जो भी होगा, आप सड़कों पे आप जाएं, आप जो भी एक कांस्टेबल होगा उसकी बसात है एक मोटरसाइकिल वाले तक, एक रिक्शा ड्राइवर तक, वो उसे निकालता है। बड़ी गाड़ी उसके सामने से लैंड क्रूजर गुजर जाती है, उसको हाथ तक नहीं देता वो। तो सर जिसका जहां तक बस चल रहा है वो उसको लूटने में लगा हो, फिर रही बात वो सर जो इदारे बनाए जाते हैं वो एक जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसको अमल दरामद के लिए बनाया जाता है, जो पॉलिसियां होती हैं। तो सर गवर्नमेंट का काम ये होता है कि मुल्क को लेके चले, उनकी आवाम की रहनुमाई करे, आवाम को नामसाइद हालात से बचाने के लिए पेशी इकदाम करे। तो क्या हुकूमत ऐसी छोड़ दी जाएगी कि आवाम जो चाहे करे? नहीं, इस हुकूमत को जो करना होता है, एक ही दिन में 30 बिल भी आप मंजूर करा लेते हैं पार्लियामेंट से ना चाहते भी अपोजिशन के, करेक्ट। लेकिन जहां पे कानून की अमलदारी की बात आती है वहां पे आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। तो सर ऐसा नहीं चल सकता सिस्टम। आप मदीने की रियासत की बात करें, यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, लोग खुदकुशियां करें महंगाई की वजह से, जो महंगाई बढ़ती जा रही है कि फिर आवाम क्या किसको कसूरवार ठहराएंगे? आप पॉलिसियां तो मुरतब करें सही तरह से, आपको इल्म ही नहीं क्या हो क्या रहा है। आप कह रहे हैं कि आवाम टैक्स नहीं दे रहे, तो लाइन है टैक्स नेट में। इस वक्त जितने भी देखें आप, जो भी एक बिजनेस चल रहा है वो रियल एस्टेट का चल रहा है। अब रियल एस्टेट के कौन लोग हैं आपको देखना पड़ेगा, इस गवर्नमेंट के करीब करीब कितने लोग हैं जो काम करें सारे इसका। रियल एस्टेट का कारोबार बढ़ रहा है और जो जरिए जमीन है वो खत्म होती जा रही है आपकी। क्यों नहीं आपकी खुराक की शॉर्टेज होगी? तो हमें खुदारा जो थिंक टैंक बनाए, जिनका जो काम है उस पर लगाए, तो तभी सूरत बेहतर होगी। ये ना हो कि फिर वजीर आजम साहब का जो मारूफ जुमला है कब्र में जाके आता है, लेकिन अवाम कब्र तक भी कैसे जाएंगे जब उसके कफन और कब्र के प्राइस भी बढ़ चुके हैं, तो कौन वहां तक पहुंचेगा? वो सफर भी रोक दिया गया है। ऐसा ना हो कि लोग बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। जो पॉलिसियां बना रहे हैं उस पर अमल दरामद करें। जो आप चाहते हैं कि लोग टैक्स दें तो टैक्स लें, कैसे आप नहीं लेंगे? यहाँ तो लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। कितने लोग हैं आप देखिए इस दौर में जो हुनरमंद अफराद हैं वो घरों पर बैठे हुए बेरोजगार हो चुके हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो लोग कहाँ से देंगे टैक्स? हाँ, जो परचून सतह पे आपने फैसला किया था, इंप्लीमेंटेशन की थी, आप फिर बैक बैक फुट पे चले जाते हैं, आप जरा सा कोई प्रोटेस्ट करता है आप पीछे हट जाते हैं। हुकूमतें ऐसे अच्छा ये बड़ी सर बात है कि यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट करता है गवर्नमेंट को थोड़ी सी आंखें दिखाता है
वो किसी का ताल्लुक पॉलिटिकल पार्टी से हो, कोई मजहबी जमात से हो या कोई भी धड़ा हो, गवर्नमेंट फौरन सरेंडर कर देती है। ये तो गवर्नमेंट किसी सूरत भी आगे से रिजिस्ट नहीं करती कि जी हम राइट पे हैं, वो कहते हैं नहीं जी नहीं आप राइट पे हैं, आप मुआहदा करें हमारे साथ, खत्म करें। ये क्या वजह है सर इसकी? गवर्नमेंट क्या बहुत ज्यादा डर चुकी है लोगों से? बात यही है ना, हर कोई बाहर निकल आता है और गवर्नमेंट सरेंडर कर देती है, बोले ठीक है हम कर लेते हैं। इसी तरह शुगर का देखिए, गंदुम का क्या हुआ है, वो ये हुआ है, वो मेडिसिन देखिए कहाँ है। यहाँ तो गरीब आदमी जो है हॉस्पिटल तक नहीं जाता, वो अपने बिस्तर पे ही पैर रगड़ रगड़ के मर जाता है और उसके बाद जो उसकी आल औलाद होती है वो भुगत रही होती है, उसे आगे क्या करना पड़ता, इन्हें क्या पता हुकूमत को। अब तो वो कह रहे हैं, वजीर तलाद ने ये भी कह दिया है कि जो जो आप गैस सस्ती गैस इस्तेमाल कर रहे हैं वो आदतें छोड़ दें। यानी कि क्या हम कहाँ जा कर रहे हैं? हम IMF के सामने सर तस्लीम खम कर चुके हैं ताकि नेक्स्ट मंथ जो हमें जो ट्रांश मिलनी है, मेरे को ठीक है, दो एक जो पिछली वाली जो रह गई थी और अगले महीने जो मिलनी है वो मिल के 1 अरब के करीब, इनको 1 अरब के करीब डॉलर मिल जाए ताकि मईशत बेहतर हो जाए और आवाम पे जितना बोझ डाला जा सकता है वो डाल दिया जाए। तो इस तरह ये मामला कब तक चलेगा? ये ज्यादा वक्त नहीं है, जब आवाम से आप सारी सहूलतें खत्म करते जा रहे हैं तो एक वक्त आएगा आवाम भी सड़कों पर आ जाएंगे, आवाम सड़कों पर आएंगे। और आवाम में एक जनरल परसेप्शन ये है कि IMF ने हमें कर्जा दिया या हमने उनसे कर्जा लिया और उनके पास हमने अपना मुल्क गिरवी रखवा दिया। आबिद सुलेरी साहब, सर ये बताएं कि ये तो खैर एक अवामी स्टेटमेंट है कि जी IMF के आगे मुल्क गिरवी रखवाया हुआ है, थोड़ा सा जरा टेक्निकल टर्म में हमें समझाइए कि जिसको हम यूं कहेंगे कि जी $1 बिलियन की जो नई इंस्टॉलमेंट या खेप आनी है उसके एवज उसकी कुछ शरायत या कंडीशंस हैं जिसका हमने इतलाक करना है और वो होगा, क्या ये उसी का शाखसाना है या उसका इतलाक अभी होना है, वो है क्या? तो मसला ये है कि कोई भी हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी से IMF के पास नहीं जाती और यही वजह है कि IMF की जो शरायत जिनकी हम बात करते हैं वो कोई भी हुकूमत उनको पूरा नहीं करना चाहती या नहीं कर सकती और ये एक साइकिल जो है वो चल रहा है। अब IMF आपसे क्या कह रहा है? IMF आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर कह अच्छी भी कह रहा है। मसलन वो कहता है कि जी आप अपने जो बिजली के इतने ज़्यादा लॉसेज हैं उनको कम करें ताकि बिजली का खसारा कम हो, या वो कहता है कि ये PIA और स्टील मिल और रेलवेज और डिस्कोज इनका खसारा कम करें, या वो कहता है कि अगर आपके पास आमदनी नहीं है तो आमदनी बढ़ाएँ वरना आप अपने अखराजात कम करें, या वो कहता है कि सब्सिडीज़ जो हैं वो अक्रॉस द बोर्ड सबको देने की बजाय सिर्फ टारगेटेड सब्सिडीज़ दें वगैरह वगैरह। तो इनमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि हमारे फ़ायदे में भी हैं लेकिन उसकी जो पेस है और उसकी रफ्तार क्या होनी चाहिए उन रिफॉर्म्स की और वो कितनी उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए वहाँ पे आके चीज़ें फंसती हैं। असर अखराजात एक चीज़ मुझे सिर्फ ये वाला जो है इसी में एक चीज़ ऐड कर देंगे जो अखराजात का हमने जिक्र किया है कि कोविड आ गया और कोविड की वजह से पूरा 2 साल जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना थी उनमें से किसी चीज़ पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। अब चूंकि कोविड थोड़ा सा बेहतर हुआ है तो अब वो सारी की सारी शरायत जो है वो अपने सामने है। अब IMF का एक सियासी पहलू भी है और सियासी पहलू ये है कि अगर पिछला प्रोग्राम देखें जिसमें कि IMF ने 16 के करीब वेवर दिए थे यानी वो शरायत जो कि हुकूमत ने पूरी नहीं की थी उस वक्त, तो IMF ने उनको इग्नोर कर दिया था। अब चूंकि अमरीकी अफवाज के इंकलाब के बाद अमरीका जो है वो पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा जो ताल्लुकात हैं बाहमी ताल्लुकात वो थोड़ा सा तनाव का शिकार हैं, तो IMF भी किसी किस्म की कोई लीनियंसी दिखाने के वो शक्ल सूरत में सामने नहीं आ रहा। तो वहाँ पे IMF की शरायत जो है वो काफ़ी टाइट है, शरायत वो सारी अच्छी हैं लेकिन हमें ये देखना है कि क्या इकॉनमी उनको अफोर्ड कर पाएगी या नहीं और इकॉनमी से बढ़ के क्या उसके जो साथ में सोशल सेफ्टी नेट्स और सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स हैं क्या वो इतने इफेक्टिव होंगे कि उन शरायत को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये चीज़ें हैं जो इस वक्त चल रही हैं, उसमें मैं पूरी तरह IMF को शायद मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा, उसमें हमारा अपना कसूर है साल हर साल से कई दहाइयों से कि हमें पता है कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं। हमारे इश्यूज़ यही थे कि हम महंगी बिजली बना के सस्ती बेच रहे थे, या हमारे इश्यूज़ ये थे कि अदारे नुकसान में जा रहे थे हम उनमें भर्तियाँ किए जा रहे थे, या हमारे इश्यूज़ ये थे कि हमारे से ऐसे सेक्टर बहुत सारे थे और तमाम तरह नहीं लेके आ रहे थे। IMF को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें IMF हुई ऐसी भी हैं जो कि शायद अगर इन पर अमल कर लिया जाए तो वो अच्छी होंगी। बहरहाल हमारे साथ मौजूद थे आबिद सुलेरी साहब, ये इनका कहना था। नदीम रजा साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फरुख सलीम साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।